दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बताया था कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्हें 2019 में डिस्टेंस की मान्यता मिली थी। 2019 में उन लोगों ने काफ़ी एडमिशन्स भी लिए, 20 में भी हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन लिए। अब कंटिन्यू करने के लिए 21 में, 22 में या 23 में क्या वो यूनिवर्सिटीज़ अब एडमिशन ले सकती हैं? क्योंकि उनके पास मान्यता तो है नहीं, पर उनको 20 में मान्यता ज़रूर मिली थी और 3 साल के जो कोर्सेज में उन्होंने एडमिशन लिया, क्या अभी वो 3 साल तक एडमिशन ले सकते हैं? या दूसरा सवाल जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, जो पिछली जितनी भी मैंने डिस्टेंस एजुकेशन पर वीडियोज़ बनाई हैं, सवाल आपने ये पूछा कि सर, मैंने एडमिशन लिया 2019 में या 2020 में, तब यूनिवर्सिटी के पास रिकॉग्निशन था डिस्टेंस एजुकेशन को चलाने के लिए, डेप का अप्रूवल था, हमने वेबसाइट पर चेक किया था, एडमिशन हमने ले लिया। अब यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल नहीं है तो क्या हमारा एक कोर्स वैलिड होगा? और अगर कोर्स वैलिड होगा तो कैसे होगा? क्या कहीं पर यूजीसी इस बात को मेंशन करता है? और साथ में ही अगर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया और अगर हमसे कोई भी रिक्रूटर या जहां हम जॉब करने जाएंगे वो पूछ ले कि आपका कोर्स कैसे वैलिड है, तो हम उनसे क्या बात करें या हम ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन दें जिसको देने के बाद में हमारा ये कोर्स वैलिड हो जाए? दोस्तों, आपके जो सवाल हैं बिल्कुल वैलिड हैं, ये सवाल आपके दिल में आने भी चाहिए, बट इन सवालों के जवाब विथ द प्रूफ बहुत जगह आपको मिलते नहीं है। सुनने को जरूर मिलता है कि एक बार यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल गया 3 साल तक के लिए यूनिवर्सिटी वैलिड है, पर आपके पास उसके लिए कोई प्रूफ होता नहीं। मैं आज अपनी इस वीडियो में विद प्रूफ आपसे बात करूंगा, जो डिस्टेंस एजुकेशन ने खुद अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया कि कैसे 2019 में डिस्टेंस यूनिवर्सिटीज में जिन लोगों ने एडमिशन लिया, कैसे वो 3 साल के लिए अभी भी वैलिड है। और आप जो भी कोई कोर्स वहां से कंप्लीट कर रहे हैं, आप कोर्स बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं और वैलिड ही रहेगा। डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर हर तरह के सवालों के जवाब, फिर चाहे कोई भी सवाल आपके दिल में हो, कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, कौन सी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ले सकती है और कौन सी यूनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं ले सकती हैं, डिस्टेंस की फीस क्या होगी, ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में हैं, सबके जवाब आपको मिलते हैं इस चैनल के माध्यम से। और अभी हम बढ़ते हैं अपनी नॉलेज की तरफ, जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपने 2019 या 20 में एडमिशन लिया है, अब यूनिवर्सिटी के पास डिस्टेंस एजुकेशन का अप्रूवल नहीं है, वो वैलिड है कि नहीं। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, बात आती है डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन तो लिया या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जब एडमिशन लिया तब वो कोर्स वैलिड था, अब वैलिड है कि नहीं। दोस्तों, ये जानने के लिए पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, वैसे भी एक चीज होता है कि जब जिस वक्त जो कानून आया, उस वक्त वो कानून अगर एनफोर्सेबल था तो उसी के अनुसार आगे भी चलेगा अगर उस वक्त कोई घटना घटित हुई। ये हमारे देश का संविधान बोलता है, देश का कानून बोलता है और उन्हीं के रेफरेंस को लेकर आगे बढ़ता है यूजीसी। अब यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे, कैसे आप उसका एविडेंस लेंगे? अलग, जैसे मैंने आपको बताया, देश का संविधान, देश का कानून ये बातें बोलता है। आप क्या करें, जाकर सबसे पहले तो टाइप करें www.deb.ugc.ac.in। हालांकि मैं कई बार आपको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की वेबसाइट पर लेकर गया हूं बहुत कुछ चेक करवाने के लिए, आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूं डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पर। आप जैसे ही यहाँ पर ओपन करते हैं इसको www.deb.ugc.ac.in को, यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, क्योंकि अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो भी मर्ज है यूजीसी में, इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का भी नाम यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, जैसे ही आप नोटिस बोर्ड पे जाके क्लिक करेंगे, नोटिस बोर्ड पे क्लिक करते ही जो तीसरे नंबर जो डिटेल लिखी हुई है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट्स बिफोर एनरोलिंग for the programs offered under open and distance learning ODL and or online learning mode. Online learning mode करो, distance education लो, part time education लो, किसी भी तरह से सभी तरह के rule apply होते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आप open करेंगे notice खुल जाएगा। दोस्तों, जो notice है वो notice ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 23 अगस्त 2022 का notice है। इस notice में आप देख लें कि student कौन कौन सी precautions लें अगर वो admission ले रहे हैं और जो doubts हैं वो कैसे clear करें। 9वें point पे आप आ जाइए। 9वें point पे आप आएंगे जैसे ही, तो 9वें point का जो subsection 2 या फिर sub point 2 जो दिखा रहा है यहाँ पर, admission taken during recognition period, तो क्या बोलता है ये point? जो यूजीसी पर ही जो डेब का जो एक नोटिफिकेशन आया वो क्या बोलता है नोटिस में, एडमिशन टेकन इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम में आपने अगर एडमिशन लिया है, ऑनलाइन प्रोग्राम में या डिस्टेंस प्रोग्राम में, दोनों ही मोड में, चाहे डिस्टेंस लर्निंग मोड में लिया हो चाहे फिर ऑनलाइन मोड पे लिया हो, एंड और ऑनलाइन मोड, द रिकॉग्निशन पीरियड स्टैंड्स रिकॉग्नाइज्ड, जो रिकॉग्निशन पीरियड था वो रिकॉग्नाइज ही रहेगा
टिल द कम्प्लीशन ऑफ प्रोग्राम, जब तक आपका वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे आप मान लीजिए कि 2019 में आपने नवंबर दिसंबर वाला जो बैच आया उसमें आपने एडमिशन लिया, तो एडमिशन लिया 2020 में, उस यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस की मान्यता नहीं मिली, 21 में भी मान्यता नहीं मिली और 22 में मान्यता नहीं मिली। तो जो उस स्टूडेंट ने यूजी में बीए बीकॉम में एडमिशन लिया 2019 के नवंबर दिसंबर में, तो 2020 के नवंबर दिसंबर में फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, 2021 के नवंबर दिसंबर में सेकेंड ईयर होगा और 2022 के नवंबर या दिसंबर में उसका थर्ड ईयर होगा। तो इन कोर्सेज को इस पीरियड के ड्यूरेशन में बिल्कुल पूरी तरह से रिकॉग्नाइज माना जाएगा। और बोलता है इवन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डज नॉट हैव रिकॉग्निशन, जबकि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जितने को परमिशन दी गई थी कोर्स चलाने के लिए, उनके पास इस प्रोग्राम को चलाने की मान्यता नहीं है, एज पर जो डेप बोलता है अगर मान्यता नहीं भी दी गई आगे की। और ये लाइन इसी बात को क्लियर करती है, इवन इफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डज नॉट हैव रिकॉग्निशन फॉर द फर्दर ईयर्स, बेशक से फर्दर ईयर्स के अप्रूवल ना हो उसके पास, provided the program is offered as per the UGC, और जो UGC की norms के अनुसार ही है, of territorial jurisdiction, जो jurisdiction में ही चलाया गया है, and in conformity with the extant guidelines, और जो extant guidelines जो दी गई थी सब चीजों को माना गया अगर उस institution के द्वारा, and और UGC regulations and regulations of respective regulatory bodies, जिसने भी उन regulations को माना था जब admission लिए थे उस वक्त अगर सारी term conditions पूरी थी और मान्यता प्राप्त थी, उसके बाद बेशक से उसे मान्यता नहीं मिली, तो उसे उस कोर्स को अप्रूव माना जाएगा, वहां कोई किसी तरह की प्रॉब्लम उस स्टूडेंट के साथ में खड़ी नहीं होगी। दोस्तों, आप डिस्टेंस एजुकेशन में या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में, पार्ट टाइम एजुकेशन में, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं डिस्टेंस में कोई कोर्स कंप्लीट करना, या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, आप इनमें हमारी मदद ले सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या पर्सनली कुछ चीज जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी जरूर बताएंगे, साथ ही बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी के पास बेस्ट फीस है। आप कंसल्टेंट हैं, आप परेशान हैं इन चीजों को लेकर, आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी सेटअप करना, आप चाहते हैं सही तरीके से एजुकेशन में काम करना, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करवा देंगे, आप सीधा उन यूनिवर्सिटी के साथ एडमिशन में आप काम कर सकते हैं, और जो भी कमीशन आपके आते हैं, कंसल्टेंसीज आती है, आप उन पे काम कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन बहुत तरह की सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, कई सारी यूनिवर्सिटीज उन सेशन में भी एडमिशन ले लेती हैं जब उन्हें अप्रूवल नहीं था, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जो कोर्स है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, आपका ये मामला खटाई में पड़ सकता है। पर जब भी आप एडमिशन लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में, आपको उनका रिकॉग्निशन देखना चाहिए। दोस्तों, अपने देश में ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, जो यूनिवर्सिटीज चल रही हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बट वो यूनिवर्सिटीज चलने के लायक ही नहीं, चलने योग्य ही नहीं। जब 2019 में काफी सारी यूनिवर्सिटीज को जब अप्रूवल दिया गया कि हाँ आप डिस्टेंस में कोर्सेज चलाओ, और ये भी बोला गया कि 20 तक जो एक जो क्राइटेरिया है नेक का, कि मतलब जो ग्रेडिंग मिलती है 3.26 की जो मिलती है, 4 तक उसे कर लेना ताकि हम आपको अप्रूवल दे सके और आगे भी कोर्सेज चला सके, वो इन मापदंडों को ही पूरा नहीं कर पाए जो मांगा था नेक ने, क्योंकि नेक होना जरूरी है डिस्टेंस एजुकेशन को चलाने के लिए। नेक कैसे काम करता है, क्या होती है ग्रेडिंग्स, इस पर तो कंप्लीट मैंने एक वीडियो बनाया है, नेक की आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे। तो इन यूनिवर्सिटीज में फिर भी हम एडमिशन लेते हैं, हालांकि ये बहुत अच्छे जो ऑप्शन होते हैं आसपास, अगर हम कंपेयर करते बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस थे, फिर भी हम उनमें एडमिशन नहीं ले पाते हैं और बेकार सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं। इसी तरह की सभी तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में तो आप कुछ भी जानना चाहते हो, या अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं किसी के बारे में भी कुछ भी आप जानना चाहते हैं, या उस पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अपने छोड़ें, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे और सभी तरह के आपके डाउट्स को क्लियर हम जरूर करेंगे। और आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं किसी डिस्टेंस या रेगुलर यूनिवर्सिटी में, सजेशन लेना चाहते हैं सिर्फ आप हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछना दोस्तों, हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, सजेस्ट करें हमें, हमें उसका इंतजार रहेगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से बनाकर आपके लेकर आ सके और आपको और नॉलेजवान बना सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।